मेरा नाम माधुरी वर्मा है, मैं बांसी की रहने वाली हूँ। हनुमान जयंती के दिन हमें सपना आया कि मेरे घर हनुमान जी दो अगरबत्ती लेके मेरे घर के अंदर दिखा रहे हैं। उसके बाद जब मैं बाहर देखने लगी कि इतना बड़ा कौन इंसान है, तो फिर बाहर जब देखी तो बजरंगबली के रूप में, हनुमान जी के रूप में, बानर रूप में मेरे घर के अंदर आए और उनको मैं रोटी खिलाई। फिर दो दिन पहले मैं अपने बेटे से बोली कि मेरी अर्जी वहाँ पर लग चुकी है, तुम मानो या ना मानो बालाजी मेरी अर्जी लगा दिए हैं। और आज मैं 11:15 बजे आई हूँ, अपना अर्जी लगाई हूँ, मेरी अर्जी लग चुकी थी। नहीं तो मैं गुरु जी से कोई बात नहीं की थी, मेरा कोई मिलना जुलना नहीं हुआ था। गुरु जी अपने आप, मेरे बेटे का नाम रोहन है, रोहन के नाम से अर्जी आया है। गुरु जी हम लोगों को बुलाए हैं, जो गुरु जी हमसे कहें वो मेरे साथ सब कुछ हुआ। मैं शिव भक्त हूँ, शिव जी के बारे में बताए हैं। 2 महीने पहले मैं विश्वनाथ दर्शन करके आई हूँ, बाबा जी भी यही बताएं कि आप विश्वनाथ का दर्शन करिए। मंच की ओर ध्यान देंगे। आप बताएं, दिल से बताएं, आप जो बातें हो, जब कितने गुजुर्ग की बात है। और आगे लगा ले, और आगे लगा ले। मैंने अपने बेटे से 2 दिन पहले हनुमान जयंती के दिन बोला था, मेरा अर्जी लग गया है हनुमान जी के दरबार में, मेरी अर्जी लग चुकी है। क्योंकि मैं हनुमान जी के, उसके बाद मैं हनुमान जी का स्वप्न में देखी कि हनुमान जी को बड़े से स्वरूप में मेरे घर में आके और 2 अगरबत्ती दिखा के मेरे घर के तरफ ऐसे फूस के खड़े हो गए। हम देखे उनको तो हमको लगा कि कौन इतना बड़ा आदमी आया है हमारे घर। फिर हम अपने बाहर झांकने लगे, जब तो देखे बंदर के रूप में मेरे घर के अंदर हनुमान जी घुस आए। उनको हमने एक रोटी खिलाया और 2 दिन पहले अपने बेटे से बोली मैं कि मेरी अर्जी लग चुकी है वहाँ पर, मेरी अर्जी लग चुकी है, तुम मानो या ना मानो। क्योंकि मेरा बेटा बहुत नास्तिक है, वो मानता नहीं है। मैं शिव भक्त हूँ, हमने कहा कि मेरा भोले बाबा अर्जी लगा दिए, तुम मानो या ना मानो। और बेटे का ही नंबर आया, अर्जी तो हम लगाए थे, इसके ही नाम से आया कि भगवान चाहते थे कि यही नासिक से आस्तिक बने। और जो मैंने रास्ता आपको दिखाया, क्या भटकाया मैंने? नहीं, आप जिनके भक्त में वही भेज रहा हूँ, वही तो भेज रहे हैं। तो मुझे विश्वास था भोले बाबा और हनुमान जी मेरी अर्जी जरूर लगाएंगे। तो आज मैं सबसे बाद में आई हूँ बाबा, 11:15 बजे मेरी अर्जी। 11:15 बजे आई है? 11:15 बजे आई हूँ, अर्जी लगाई सबसे लास्ट। और कोई किसी प्रकार का कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई पर्ची नहीं, इतने मैं कह रहा हूँ मेन्द्रपुर के बालाजी साक्षात कलयुग के भगवान है। लेस मात्र भी आपको संदेह करने की आवश्यकता नहीं, सुई की नोक के बराबर भी। कैसे अर्जियां लग रही है? आज की जय, बोलो सीताराम। बोलिए श्री बालाजी धाम हासी की, मेहंदीपुर बालाजी की, बोलिए प्रेतराज सरकार की, श्री भैरव बलवान की, बोलिए समाधि वाले बाबा की, सच्चे दरबार की। जय हो, जय हो।